आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से। कब और कैसे आए? 23 तारीख में मुंबई से चले थे, 25 तारीख को परिहार प्रखंड में पहुंचे हैं। वहाँ सीओ से बात की है, सीओ पूछा कि कितने आदमी है, दमका से सर 8-10 आदमी है, तो कहा कि सवेरे गाड़ी से भेजेंगे आपको सेंटर पर, आपका सेंटर की तैयारी चालू है, फिर सुबह तैयारी सेंटर पर भेजेंगे आपको। सुबह फिर फोन किया है तो फिर पूछ रहा है कि कितने आदमी, हम कहे सर सभी तो चले गए हैं, सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं। तो कह रहा है कि 3 लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, से आप लोग पैदल जाइए। हम लोग पैदल वहाँ से चल के तिलाई सेंटर पर आए हैं। अब तिलाई सेंटर पर आने के बाद यहाँ हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, यहाँ का आशा रहता रहा कि हमको कोई फोन ही नहीं आया है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? मोटामोटी 4 दिन हो गया। आपको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है क्या? नहीं, आपको कोई सुविधा नहीं मिला। आप लोगों को कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। खाना पीना कुछ नहीं, सब अपने घर से अभी खाना पीना जो भी अपने घर से अभी आ रहा है। आज जो है हम लोग का लास्ट टाइम है, आज हम लोग शाम तक ले वैसे भी सबको खबर कर दिया है कि हमको यहाँ सुविधा नहीं मिली, हम लोग गाँव में जा रहे हैं। वैसे भी हम लोग धारावी मुंबई धारावी रेड जोन से आए हैं। आज सीएम डीएम को फोन लगाता हूँ तो डीएम फोन रिसीव नहीं कर रहा है, और सीओ को फोन लगाता हूँ तो सीओ फोन रिसीव नहीं करता है। आज हम लोग गांव में प्रवेश कर जाएंगे, अगर इसमें अगर संक्रमण बढ़ता है, किसी महामारी का अगर शिकार होगा, इसका जिम्मेदार पूरा सीओ का सीओ होगा।